नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती सहित आज के सभी न्यूज अपडेट में। तो भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने घेरा निदेशालय, शिक्षक भर्ती मांग को लेकर भाजपा दफ्तर का भी किया घेराव। तो 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने मंगलवार दोपहर नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर के निषादगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। काफी देर तक प्रदर्शन के बाद भी जब स्कूली शिक्षा महानिदेशक ने उनकी मांग को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया तो प्रदर्शनकारी सीएम आवास की तरफ कूच कर गए, लेकिन उनको वहां से खदेड़ दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय पर काफी देर तक घेराव किया। अभ्यर्थी वार्ता करने की मांग करते रहे, लेकिन पुलिस ने उनको वहां से भी हटा दिया। वे वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने वालों का विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया है कि उनका काउंसलिंग हो चुका है और जिला आवंटन भी हो चुका है, लेकिन परीक्षा आवेदन में त्रुटि होने से उनकी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। जबकि ऐसे कई अभ्यर्थी हैं जिनको दूसरा मौका देते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया। प्रदर्शनकारी मूल प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर संशोधन वाले जो कि थर्ड काउंसलिंग वालों का विरोध कर रहे हैं। बताया गया है कि उनको जब नियुक्ति पत्र सिर्फ देना है, मिल भी गया है, सिर्फ ज्वाइनिंग देनी है, तो उन्हें पहले दिया जाए, ना कि थर्ड काउंसलिंग वालों को। वहीं थर्ड काउंसलिंग के विरोध से लखनऊ लीगल टीम सहित सभी प्रमुख टीमें काफ़ी गुस्सा नाराज नजर आई। उन्होंने कहा है कि कोई भी साथी हाइपर ना हो, जितने भी मुद्दे हैं सरकार इन्हीं को देखती आई है। बाकी अगर विरोध करने से कुछ मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन थर्ड काउंसलिंग वालों का विरोध करना सही नहीं है, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग किसी के भी विरोध में अब तक शामिल नहीं हुई है। लीगल टीम ने कहा कि थर्ड काउंसलिंग के किसी से दुश्मनी नहीं है, थर्ड काउंसलिंग हो जाने दीजिए, आप अपने मुद्दे को भी उठाते रहिए, थर्ड काउंसलिंग रोकने की क्या जरूरत है। वहीं जिन्हें लगता है कि उनका सूची में हो जाएगा, वे पहले ही डीडी बनवा कर तैयार रख ले, क्योंकि कई बैंक के साथ ही साथ डीडी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कई बैंक डीडी भी नहीं बनाते हैं और अभी चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी ज़रूरत काउंसलिंग के समय नहीं पड़ेगी। तो आपको फिर से बता दें कि अगर डीडी नहीं बनवाए तो डीडी बनवा लीजिए, क्योंकि डीडी जो होता है उसका टाइम भी लगता है और प्लस कई बैंक बनाते भी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने डीडी को बनवा लीजिए और चरित्र प्रमाण पत्र बाद में बनवाइए, क्योंकि काउंसलिंग के समय उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, टीम की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन अगर आपका चरित्र प्रमाण पत्र बन जाता है तो बनवा के रख लीजिए, क्योंकि पहले से बनवा के रखेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए जो भी बन रहा है बनवा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, शपथ पत्र को छोड़कर। वहीं विज्ञप्ति सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है सरकार, ये कहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की सिविल पुलिस व पीएससी कांस्टेबल भर्ती के खाली रह गए 3,000 विज्ञप्ति पदों को कैरी फॉरवर्ड न कर मेरिट नीचे कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से कहा, यदि नियम नहीं है तो चयनित होने मास्टर से किसी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता और सरकार सभी विज्ञप्ति पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं है। हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी है, इसलिए कोई राहत नहीं दी जा सकती। आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने अजय कुमार मिश्रा व अन्य 213 अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर खारिज करते हुए दिया। याचिकाओं कहने वे सभी चयनित है, कटाप मेरिट जो है वहां पर 191.6 से अधिक अंक प्राप्त कर सफल हुए हैं। पुलिस भर्ती के लिए कुल 28,916 सिविल पुलिस पीएससी कांस्टेबल भर्ती में सामान्य 40,356 ओबीसी 39,004 यहां पे कटाप बताया जा रहा है कि जो 403.6 गया था सामान्य का, 394.73 गया था ओबीसी का, एससी का गया था 380.3 अंक कट आप मेरिट पर दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षा के लिए बुलाया गया था। कुछ अभ्यर्थियों को फर्जी मार्क्सिस के कारण अस्वीकार कर दिया गया, कुछ मेडिकल जांच में फेल हो गए। सिविल पुलिस व पीएससी कांस्टेबल 3,000 पद नहीं भरे जा सके, वे पद खाली हैं। तो इसी को लेकर कोर्ट गए थे। तो ये जरूरी नहीं है कि विज्ञप्ति के सभी पदों को भरने के लिए बाध्य हो सरकार। और पूर्व सांसद और राज्य मंत्री मिथिलेश कुमार मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे बीएटीटी 2011 के अभ्यर्थियों का मुद्दा। 7 दिसंबर 2012 को परसदी विद्यालय में शिक्षित भर्ती विज्ञापन वाले नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से मिलेंगे मिथिलेश कुमार। टीजीटी पीजीटी परीक्षा सितंबर महीने में कराए जाने की मांग को लेकर के वीके खान उप मुख्यमंत्री जी से मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये परीक्षा अगस्त में कराया जाए, जबकि कई अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा सितंबर में कराया जाए। और ये कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षकों की पत्नी को नियुक्ति पत्र भी सौंपा गया। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 को अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान डीपीसीएम ने छात्रों के प्रस्ताव पर विचार कर जल्द निर्णय ले जाने का भी आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री को छात्रों ने बताया कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हुई है। कहा, किसी भी परीक्षा के आयोजन में परीक्षा तिथि की घोषणा के बाद कम से कम 2 महीने का अंतराल अवश्य मिलना चाहिए। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष वीके खान और अनिल उपाध्याय ने बताया कि उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन किया है, सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, अधिशीघ्र निर्णय लिया जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी 2016 के कला के अंतिम परिणाम के लिए कहा गया, इस मामले में काफी विलंब हो चुका है और इसी संबंध में शासन द्वारा आवश्यक निर्देश अतिशीघ्र जारी किए जाएंगे।
वहीं बिना वेतन पढ़ा रहे हैं स्कूल के 550 शिक्षक। तो प्रदेश के 1000 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सैकड़ों शिक्षक 15 साल से बिना वेतन पढ़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 2 दिसंबर 2006 को 1000 स्कूलों को अनुदान सूची पर लिया था। मार्च 2007 तक वेतन भुगतान की कार्यवाही की गई, लेकिन उसमें नियुक्ति लगभग 550 शिक्षक और 250 लिपिक और परिचालन के वेतन वंचित रह गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का कहना है कि उनकी नियुक्ति नियमावली के विपरीत है। इसमें करीब 350 शिक्षक ऐसे हैं जो अस्थायी मान्यता से पूर्व से नियुक्त है और विभाग ने विनियमित किया है। विभाग का तर्क है कि उनकी चयन प्रक्रिया पूरी नहीं है, जबकि उनकी नियुक्ति सृजित पद पर संबंध या प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मान्य किया है। तो अब क्या होगा कि सभी शिक्षकों का चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए किया गया है, अनुदान सूची पर लेने के बाद नियमित वेतन भुगतान होना चाहिए, लेकिन अफसर की लापरवाही के कारण सैकड़ों शिक्षक कर्मचारी आज 15 साल से बिना वेतन काम कर रहे हैं। ये कहा है मंडली मंत्री उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षा। वहीं विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं शिक्षक। बारहवीं की मूल्यांकन प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर, सीबीएसई आईसीएसई की नीति में दखल देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा परीक्षा रद्द करने की चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं भी खारिज कर दी। बीएसई सबको खुश नहीं किया जा सकता, उसी नीति पे कुछ लोग परीक्षा कराना चाहते थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। जब परीक्षा नहीं कराया तो कुछ लोग कराने की इच्छा रख रहे हैं, जबकि अभी परीक्षा कराता तो भी विरोध होता। आयोग ने भर्तियों से मांगे ऑफलाइन आवेदन। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्तियों को तेजी से निस्तारित कर रहा है। इस मद्देनजर अलग अलग भर्तियों का साक्षात्कार 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। वहीं जिन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन हुए हैं उन्हें समस्त दस्तावेज ऑफलाइन भेजना होगा। ऑफलाइन आवेदन का प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी एलोपैथ सामान चयन की भर्ती का विज्ञापन 5 सितंबर 2020 को निकाला था। असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर जुलाई से फिर करिए आवेदन 1 जुलाई से। प्रवक्ता के 3 पदों पर साक्षात्कार 9 जुलाई को होगा। तो एक और अवसर दे दिया गया है, प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थी के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की 21 जून को हुई बैठक में जुलाई से वेबसाइट खोलने का निर्णय लिया गया। अभ्यर्थी 1 से 7 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्टर कराने के साथ ही ऑनलाइन फीस भी जमा कर सकती है। अंतिम रूप से 8 जुलाई तक जो है अपना फॉर्म सबमिट भी कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में गलती की उन्हें 1 से 8 जुलाई तक संशोधन का मौका दिया गया है। पहले 12 अप्रैल तक फीस और 13 अप्रैल तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि थी। सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार कोविड काल और सर्वर में तकनीकी समस्या के कारण ऑनलाइन आवेदन शुल्क न जमा कर पाने के कारण, आवेदन पत्र न भर पाने के कारण, गलत आईडी पर आवेदन शुल्क जमा करने के कारण अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र का प्रिंट नहीं निकाल सके। इस समस्या के निराकरण के लिए आयोग से अनुरोध किया गया। इस पर आयोग ने एक और मौका दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों की ऑनलाइन त्रुटियों और समस्याओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में की थी याचिका, तो विभिन्न कारण से अंतिम रूप से आवेदन नहीं कर सकने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका किया था। पूर्व में आवेदन करने वालों ने कहा इससे देरी होगी, जबकि जो आवेदन करने का एक मौका देने पर जहां वंचित अभ्यर्थियों ने खुशी जताई, वहीं पूर्व में सफलतापूर्वक फॉर्म भरने वालों ने देरी की आशंका जताई। डॉक्टर सौरभ सिंह, पवन सिंह, अशोक सिंह, डॉक्टर संजय सिंह आदि ने कहा कि परीक्षा तिथि घोषित करने के लेकर के सोमवार पर आयोग पर प्रदर्शन किया था। डॉक्टर सौरभ का कहना है कि जिम्मेदार लोगों ने जल्द परीक्षा तिथि घोषित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आवेदन की वेबसाइट दोबारा खुल देगी, इससे भर्ती में देर होगा। वहीं 3 माह से लॉकडाउन खुलने का इंतजार करने के बाद बैंक से चुराए 55 लाख रुपये, यूनियन बैंक में सील का मामला, राजमिस्त्री सहित 2 धरे गए। तो बच्चे चिन्हित 69 ही साबित कर सके पात्रता और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम से होगी प्रवेश की शुरुआत। लंबित भर्तियों के आवेदकों को भर्ती कैलेंडर का है इंतजार।